हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऑनलाइन के माध्यम से ऊना विधानसभा को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने 70 करोड़ रुपए की लागत से 45 योजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन किए। इस दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े रहे। एक ही जगह पर सभी 45 स्कीमों का शिलान्यास और उद्घाटन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा किया गया। इस दौरान ऊना से हिमाचल वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती सहित तमाम पदाधिकारी और अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने आईटीआई ऊना के 2.15 करोड़ रुपए से निर्मित हॉस्पिटैलिटी ट्रेड भवन, 2.02 करोड़ रुपए से तैयार विजिलेंस कार्यालय ऊना, पुलिस विभाग के 2.40 करोड़ रुपए से निर्मित 6 टाइप 2 क्वार्टर बनगढ़ में प्रथम आईआरबीएन परिसर में 2.43 करोड़ रुपए से निर्मित 12 टाइप 2 क्वार्टर का उद्घाटन, 2.57 करोड़ रुपए से निर्मित गृह रक्षक भार्मी बटालियन के भवन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर नाबार्ड के तहत लोअर देला पंचायत में 2.61 करोड़ रुपए से हुए सड़कों को चौड़ा करने तथा सुधार का उद्घाटन किया, जिसमें लोअर देला से बड़ेहर सदियाना तालाब से बसदेहड़ा मोहल्ला चौधरिया के संपर्क मार्ग तथा ग्राम पंचायत देहला के मोहल्ला मोहनतान शामिल है। इसके अलावा और कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ऊना में वर्चुअल माध्यम से एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए अब बड़े समारोहों के आयोजन के लिए सरकार ने नए सिरे से एसओपी बनाई है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के साथ विकास की गति प्रभावित ना हो, इसके लिए जो पैसा कई योजनाओं के तहत मंजूर हुआ है उसे समय पर खर्च करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को सख्ती से निर्देश दिए हैं। जल जीवन मिशन में बहुत अच्छा काम हिमाचल प्रदेश में हुआ है और इसमें प्रदेश देश भर में अव्वल स्थान पर है। उन्होंने दावा किया कि पीजीआई सैटेलाइट सेंटर का काम भी जल्द शुरू होगा। इसके लिए बची हुई औपचारिकताओं को जल्द पूरा किया जाएगा। इंडियन ऑयल के डिपो के अलावा सदर विधानसभा क्षेत्र में मातृ शिशु अस्पताल व अन्य योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे हुए हैं और इनमें 1 साल कोरोना काल में तबाह हुआ, लेकिन आगे 2 सालों में केंद्र में मोदी सरकार के सहयोग से ऐसा काम करके दिखाया जाएगा कि वर्ष 2022 में हिमाचल में फिर से भाजपा की सरकार सत्ता प्राप्त कर सके। इसमें उन्होंने केंद्र से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा किए जा रहे सहयोग के लिए भी आभार जताया और भविष्य में भी ऐसा सहयोग जारी रखने की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि विपक्ष अक्सर हिमाचल में विकास व अन्य मामलों को लेकर मुद्दा बनाता रहा है, लेकिन प्रदेश की जनता के सहयोग से भाजपा की सरकार लोकसभा के चुनाव और बाद में 2 उपचुनावों में भारी अंतर से जीत हासिल करके साबित कर चुकी है कि प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व से लोग संतुष्ट हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में ऊना सदर विधानसभा क्षेत्र में जो कमी रही है उसे पूरा किया जाएगा और सतपाल सिंह सत्ती फिर से विधानसभा में पहुंचे, इसके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। ऊना विधानसभा क्षेत्र में आज 1 साथ 45 विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम एक साथ हो रहा है और मैं समझता हूं कि उस दृष्टि से आज का दिन ऊना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण होने के साथ साथ मैं समझता हूं कि एक ऐतिहासिक पल है। अगर इन 45 योजनाओं का हम योग करें, जमा करें, तो लगभग ये योग मिला करके 70 करोड़ रुपए की राशि का बनता है। एक साथ, एक दिन, एक जगह 45 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन और 70 करोड़ की लागत से ये उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं और मैं समझता हूं कि शायद ही इससे पहले ऊना विधानसभा क्षेत्र में इतने सारे उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम एक स्थान पर एक दिन एक साथ हुए हों। मैं अपने भाई सतपाल सत्ती जी को इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं।
आज का दिन और भी हमारे लिए ऐतिहासिक है। अभी 2 दिन पहले दिवाली का पर्व हुआ। दिवाली की भी मैं आप सबको, मुझे उम्मीद है कि आपकी सबकी दिवाली अच्छी रही होगी। दिवाली की भी शुभकामनाएं। और पिछले कल गोवर्धन पूजा थी और आज भैया दूज। तो इस दृष्टि से ये हमारा भाई दूज के इस पावन अवसर पर भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और उसके साथ समझता हूं मैं, और भी ऐतिहासिक है, आज बिहार में लगातार चौथी बार एनडीए की सरकार सत्ता हासिल कर रही है। बहुत शानदार जीत विधान के बिहार के विधानसभा के चुनाव में हुई है। उसके लिए भी मैं आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हिमाचल प्रदेश के हमारी पार्टी के साथी, जिनके साथ वर्षों में आप और हम लोगों ने मिलकर के काम किया, आज वो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि उनकी मेहनत से आज बिहार में भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत शानदार सफलता हासिल हुई है। एनडीए की सरकार सत्ता में थी और जिसके लिए संभावनाएं, कई तरह की चर्चाएं ऐसी ऐसी चली हुई थी कि सत्ता हासिल करना अब की बार कठिन होगा, मुश्किल होगा, लेकिन वो कठिन काम भी हुआ है। उसके लिए मैं आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। कि जब पिछली भी 282 करोड़ रुपए की किस्त जारी हुई, तब भी केंद्र से हिमाचल प्रदेश को कोई कसर नहीं छोड़ी पैसे की। और आगे भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमने केंद्र सरकार से पिछले साल ही 3.5 लाख करोड़ रुपया जल शक्ति मंत्रालय के लिए अगले 5 साल के लिए सैंक्शन किया है। ये जल जीवन मिशन के हम लोगों ने पिछले साल बजट में प्रावधान किया था कि 3.5 लाख करोड़ रुपया इसके लिए समर्पित करेंगे। हर घर नल, नल से स्वच्छ, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है और इससे मेरे हिमाचल प्रदेश को भी लाभ मिलेगा और हर गांव के हर घर में स्वच्छ पानी की सुविधा माननीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से होगी। और प्रदेश में आदरणीय जयराम जी, आपकी सरकार में माननीय महेंद्र जी इसको